मैंने नोवा टैंजानिया का कुछ सीड्स लगाया था, टोटल 12 सीड्स था। और पॉट का साइज देखिए कितना लंबा है। मीडिया में क्या है, ओनली सैंड, सिर्फ सैंड है और कुछ नहीं। अब 12 में से सब स्प्राउटिंग सबका निकल चुका है, देख सकते हैं ये एक और दो छोड़ के। अब ऐसा होता है कि आपको शायद 100% जर्मिनेशन ना मिले, लेकिन फिर भी अच्छा खासा डायरेक्ट मीडिया में किया है और अच्छा खासा इसमें स्प्राउटिंग आपको दिख रहा है और काफ़ी हेल्दी भी है, देख रही देखिए। तो अधिकतर लोग शिकायत करते हैं कि मेरा जर्मिनेट होता है लेकिन उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका जो मेन रीज़न होता है, जो एकदम नए हैं, अधिकतर देखा गया है उन लोगों का सीडलिंग गल जाता है, डंप ऑफ हो जाता है, जिस एरिया के साथ इसका सीधा, जो मान लीजिए इसका कमर जो एकदम मीडिया के साथ कनेक्ट रहता है, और इसका जो शरीर ऊपर की तरफ रहता है और नीचे की तरफ जो जड़ रहता है, बीच में से ये गल जाता है। शायद आप समझ गए होंगे, इसको डंप ऑफ कहते हैं। ऊपर से भी ठीक है, नीचे से भी ठीक है, लेकिन बीच का जो कमर वाला हिस्सा होता है वहाँ से खराब हो जाता है। और जो थोड़ा सा अनुभवी है उन लोगों के लिए जो प्रॉब्लम होता है, मीडिया बहुत जल्द सूख जाता है और सिकुड़ जाता है, श्रिंक करके खराब हो जाता है ये सारे सीडलिंग्स। ये एक बड़ी दुविधा है। तो मैं जो करता हूँ, जब इसमें स्प्राउटिंग आ जाता है, जब थोड़ा थोड़ा इसका साइज बढ़ जाता है, मैं क्या करता हूँ उसमें कोको चिप का एक मल्चिंग बना देता हूँ। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, इसका जो आसपास का जो आबो हवा है इसका टेम्परेचर काफ़ी नर्म रहता है, तो इसमें इसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, नमी मिल जाती है। और इसका सुबह का 1 से 1.5 घंटा का जो नरम धूप होता है वो इसकी ज़रूरत होता है। मैं अभी बैल्कनी में इसको रखा हूँ, अभी 7 बज रहा है, 7:30 बजे तक ये यहीं पर रहेगा, उसके बाद मैं इसको शेड में कर दूँगा। दिख रहा है काफ़ी ब्राइट लाइट है, देख सकते हैं, लेकिन इसको एकदम सीधा धूप में नहीं रखना है। पहला जो 4-5 महीना होता है ये काफ़ी क्रूशियल होता है, इसी में अगर प्लांट सर्वाइव कर जाता है तो आगे चल के ये बहुत ही अच्छा प्लांट बन सकता है। अब ये दो इसमें शायद नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छा ही हुआ है मेरे लिए। अगर आप भी ऐसे या प्रॉब्लम से जूझते हैं तो लिख सकते हैं कमेंट में। और एक बात, आप इसके ऊपर ये जो कोको चिप का मल्चिंग है, आप इसके ऊपर कोकोपीट से भी मल्चिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, पानी ज़्यादा पकड़ लेता है कभी कभी, और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा तुरंत सूख जाता है, बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो जाता है। लेकिन ये जो कोको चिप है ये काफ़ी अच्छा है, मुझे भी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मैंने मेरा जो अनुभव है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो फेलियर होता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो गलतियाँ मैंने की है आप ना करें, बस ग्रो करते जाए। हैप्पी गार्डनिंग, आपका दिन शुभ हो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।